कहावत है ना कि अपने अपने ही होते हैं और पराए पराए होते हैं। तो एक गाना भी है ना, वो कल ही मैंने पोस्ट करा था कि अपने तो अपने होते हैं, बाकी में अपने ही अपने होते हैं। किसी दूसरे से किसी तरह की उम्मीद मत रखिए आप कि कोई दूसरा आपके लिए, दूसरे वो खुद ही बनते हैं भाई, वो अपनी हरकतों से दिखाते हैं कि वो दूसरे हैं, वो अपने नहीं हैं। ठीक है, तो कल भाई दूज था, 24 साल हो गए मुझे, अब फर्क नहीं पड़ता, 24 साल हो गए मुझे, अब हैबिट पड़ चुकी है इस चीज की कि मेरा भाई नहीं है, मुझे हैबिट है उस चीज की। बट ये दिल नहीं, दिल को 24 साल नहीं हुए ना, ये दिल आज भी उतना ही इमोशनल है जैसा 24 साल पहले था, फीलिंग आज भी वही रहती है। मैं वही देखती थी कि मेरा भाई था, मैं उसकी सगी बहन, कभी मुझ में और किसी में, चाहे मेरी चाचा की बेटी हो, मेरे ताई ताई जी की बेटी हो, मेरे पड़ोसी की बेटी हो, कोई फर्क नहीं करा उसने। एक मेरा भाई था, प्राउड से बोल सकती हूँ, मेरा भाई था एक। और अब लोगों को देखती हूँ मैं, अपनी अपने अपने होते हैं, सही बात है, अपने अपने होते हैं, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। भाई दूज पे आप किसी को भी, अपनी बहन को चाहे पराई बहन को, क्या दे देते हो? 500 रुपए, 1000 रुपए मायने रखते हैं? साल भर की जिंदगी एक बार आता है भाई दूज, ये 500, 1000 रुपए, 2000, 5000, 10000 दे दोगे? सगा भाई भी नहीं देता आजकल तो इतने ज्यादा, तो ठीक है कितना दे दोगे मैटर करते हैं? पैसे मैटर करते हैं? मेरे लिए तो नहीं करते, लेकिन एक रिस्पेक्ट, एक इमोशन, वो मैटर करता है। घर से बाहर आके गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रही हूं, क्यों? क्योंकि मुझे बनाना है, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ है, मुझे जो मेरे यूट्यूब आईडी पे दिखाना है मैं दिखाऊंगी, जिसको जो बकवास करनी है करता रहे, ठीक है। इमोशंस दिखाऊंगी, खुशियां दिखाऊंगी, सब चीज बताऊंगी, मेरी मर्जी है। घर वालों के आगे ये सब नहीं करती क्योंकि मुझे नहीं करना है। मैं, मुझे अगर कोई चीज हर्ट करी है, मैं अपने मम्मी पापा को नहीं दिखाना चाहती, अपने घर में अपने बच्चों के सामने नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि मुझे हर्ट देख के वो लोग भी कहीं ना कहीं फिर उसी जोन में चले जाएंगे। मैं गाड़ी में आके ये सब चीजें, रोना हो कुछ करना हो, मैं गाड़ी में आके करती हूँ। तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन शायद ये वीडियो बना के मेरे मन को सुकून मिलेगा, कहीं मैं अपनी बात बोल तो नहीं हूँ, 4 लोग ही सही, 5 लोग ही सही, 10 लोग ही सही, 20 लोग ही सही, सुन तो रहे हैं, कोई मेरी बात भी सुन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, सब किस्मत की बात है। मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, जिसका कोई भाई नहीं है, जिसका भाई हो के चला गया दुनिया से, मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से लोग हैं। मुझे भी हैबिट हो गई यार, 24 साल हो गए, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मुझे हैबिट नहीं हुई है इस चीज की, 24 साल हो गए मेरे भैया को गए हुए। भाई देखती हूँ कि अपना भाई होता ना तो कभी कोई एक्सक्यूज नहीं देता, लंदन में रहता, पेरिस में रहता, कहीं रहता, कभी कोई एक्सक्यूज नहीं देता। पराए पराए होते हैं, पराए पराए ही होते हैं। चोचलेबाजी, चोचलेबाजी क्या होती है लोगों की? बहन आती है, भाई नहीं जाता, चोचलेबाजी ये होती है, बहन आती है, भाई नहीं जाता। अरे वो बहन क्यों नहीं आती, वो रीजन नहीं पता, वो बहन क्यों नहीं आती, ठीक है, कोई बात नहीं। और साफ सीधी बात, जो इंसान अपनी बहन का नहीं हुआ वो दूसरी बहन का क्या होगा? जिसने कभी अपनी बहन के इमोशंस नहीं समझे वो दूसरी बहन, मुंह पे बोल रही हूं बिल्कुल, जिसने कभी अपनी बहन को बहन नहीं माना वो दूसरी बहन को क्या मानेगा? बात खत्म, बोलूंगी हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, अपने फर्ज निभाए जाओ, जो
मुझे सिखाया गया है वो मैं करती हूँ, जिसे जो सिखाया गया है वो करते हैं, फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। कई बार कुछ इतने दूर के पराये होते हैं ना, वो आपको समझते हैं, लेकिन जो खास होते हैं अपने, वो नहीं समझते चीजों को। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे ना मेरे रिलेशन में आते हैं, ना मेरे खून के रिश्ते हैं, लेकिन वो मेरे इमोशंस को समझते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 24 साल से नहीं कर रही हूँ, क्या हो गया? कुछ हो गया? नहीं हुआ ना, उस चीज का मुझे फर्क नहीं है कि, लेकिन दिल तो दुखता है, दिल को तो लगता है भाई। अपना भाई कभी कोई एक्सक्यूज नहीं तैयार रखता कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं, मैं क्यों नहीं आया, मैं क्या। अपना भाई कभी कोई एक्सक्यूज नहीं रखता है। पराइयों से उम्मीद कभी मत करिए जिंदगी में, जो होते हैं अपने होते हैं, कोई पराया किसी का कुछ नहीं होता। मेरा भाई भी ऊपर से देख रहा होगा ना, उसी को बोल रही हूँ। तूने कभी कोई भेदभाव क्यों नहीं करा? तूने क्यों नहीं जताया कि वो पराये हैं, मैं अपनी हूं? मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। जिस चीज की कमी है वो साल में 2 बार आके तड़पा जाता है, पूरी साल भूल के रखती हूँ, साल में 2 बार आके तड़पा देता है मुझे। ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर का है, थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाऊंगी। बिल्कुल, क्या हो गया? थोड़ी देर का ये सब चीजें। अच्छा खासा सब कुछ सही है, क्या कमी है मेरी जिंदगी में? किसी चीज की कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। ये 2 दिन आके जो मुझे परेशान करते हैं ना, 24 साल से झेल रही हूँ, 24 साल से। 24 साल में इतना फील नहीं होता था, सही बताऊ ना तो इतना फील नहीं होता था, कभी कभी होता है। लेकिन देखो, जो सगे भाई होते हैं, अगर वो किसी दूसरे के यहाँ नहीं जा रहे हैं, समझ में आता है, सगे भाई हैं, अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे, अगर किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और तीसरे के यहाँ नहीं जा रहे हैं, ये सेंस मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सेंस मुझे समझ नहीं आया। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? फर्क यहाँ कुछ नहीं पड़ा, फर्क यहाँ पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ थोड़ा सा पड़ता है, यहाँ से निकाल देती हूँ। क्या हो गया? निकाल दिया, नाउ आई एम नॉर्मल, बैक टू माई वर्क, अपनी जिंदगी में बिजी, इसीलिए तो बिजी रख लिया मैंने, थैंक्स टू सोशल मीडिया, आप लोगों का, आप लोग की वजह से मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मुझे इन सब फालतू चीज़ों में जाने का भी मन नहीं करता, और टाइम भी नहीं है यार, टाइम भी नहीं है, न जाना है मुझे। आई एम हैप्पी इन माई वर्ल्ड, आई एम हैप्पी इन माई वर्ल्ड। अपने भाई को बोलती हूँ, तू क्यों ऐसा था? हैं? तू दूसरी दुनिया से आया था क्या? दूसरी दुनिया से था तू?
तूने कभी अपनी पराई में कभी फर्क नहीं करा है? उस टाइम तो सिचुएशन भी बहुत अलग थी, उस टाइम तो अलग ही बातें होती थी, अलग ही सिचुएशन थी, तब भी तूने कभी कोई भेदभाव नहीं करा था। आज देख तेरी बहन के साथ होता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, नहीं पड़ता फर्क। चलो जाऊं घर, काम वाम करूं, देखूं घर का क्या सिचुएशन है, क्या है नहीं है, देखती हूँ जाके। अपनी गर्मी में पता नहीं लगने देती कि रक्षाबंधन भाई दूज पे मुझे फील होता है। कितना दे देते हो किसी को, 500 हजार, उस चीज के लिए किसी के इमोशन से खेलते हो। जिसका शुरू से नहीं होता ना भाई, उसकी अलग बात होती है, उसके अंदर वो इमोशंस नहीं होते। लेकिन जिसका जिसने सारी चीजें देखी हो, लाइफ जी हो किसी के साथ, जिसने जिया हो सब कुछ, कि कैसे भाई दूज मनता है, कैसे रक्षाबंधन मनता है, उसे होता है फील। नहीं रोना है यार मुझे, मैं फिर भी नॉर्मल रहूंगी, मैं फिर भी किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं हूं ऐसी, मैं हूं ऐसी, मैं अपने भैया जैसी हूं।